जल्दी करवा ली, सहरी का वक्त हो रहा। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अली को अभी उठाया है, वो अभी ब्रश कर रहा है। हमने तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ ली है और हमारी सहरी भी रेडी है। अली फ्रेश हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग दोनों मिलके सहरी करेंगे। अभी क्या हुआ पता है क्या? मैं गैलरी का दरवाजा खोल रही थी, अली क्या किया आपने? कुछ भी नहीं करते। आप पीछे से आके क्यों खड़े हो गए थे? पर डर गई नहीं सुबह सुबह इतना बुरी तरह से डर गई? पीछे कौन आके? वो भी सर झुका के खड़ा हो गया। मैं नीचे मैं वो स्टॉपर लगा रही थी, वो नीचे स्टॉपर देखते हुए खड़ा हो गया। नीचे तो एकदम से डर गई पीछे से। पागल। चलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए किचन में, डाइनिंग पे आ गए हम लोग। अभी सहरी करते हैं, अली को भी सहरी कराती हूँ। अभी हमारी सहरी कंप्लीट हुई है, लेट हो गया था, ये अली की वजह से। क्या किया आप? क्या किए आपने? 4:30 को उठ के 15 मिनट वॉशरूम में लगाए। अली ने 4:45 बजे सहरी करने आया और आराम से सहरी करने लगा। अब टाइम पे ध्यान नहीं था, अप्पी का फोन आया तब मैंने टाइम देखी तो 5 o'clock हो गया था। हमने फटाफट अभी सहरी किए है। अली की वजह से आज सहरी थोड़ी लेट हो गई थी हमें, लेकिन हमारे अभी वर्क भी ख़त्म हो गया, अभी नमाज का भी वक्त हो गया। चलिए अभी हम नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद हम सो जाएंगे, फिर उठने के बाद आपसे मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम हजरत। हाँ हाँ, वही बच्चे गांव चले गए ना। कितने बच्चे रहेंगे हजरत? वही गुलाब जामुन, वही गुलाब जामुन। गिनना पड़ेगा। स्टील वाले क्या? ये देखो दो बेचारे गरीब बैठे हैं, मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है तब भी, और ये बेटा मेरा मोबाइल में बिजी है। क्या बना रही है अलमीरा? सुनहरी वाटर कलर। अच्छा चलो आप बना लो फिर बाद में बताओ। क्या चल रहा है आप लोगों का? पूरा कलर बिखेरे हुए है, क्या चल रहा है? क्यों इतना हंस रहे हो आप लोग? रूम पूरा चिल्ड करके रखे हो, क्या है, क्या चल क्या रहा है? क्या हुआ तुम लोग? अरे मत ये कर बेटा। अली को सता रहे थे, मैं रो दिया। अली को बोले आजा आजा आजा, अली मैं गिर गया, मैं इधर डर। अली अलमीरा और हम तीनों भी बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे थे, इसलिए मैंने म्यूट कर दी।
और पूरा रूम भी पूरा बिखर के रखी थी। स्केच करती है तो वो इसी तरीके से करती है, पूरा सामान बिखरे हुआ होता है, पूरा मैस होता है रूम। अब फ्रेंड्स, हम लोग नमाज के बाद तो सो गए थे, उठने के बाद में थोड़ा घर का काम किए, उसके बाद में फ्रेश हुए और जोहर की नमाज पढ़ ली। बच्चों की भी नमाज हो गई है। आज इफ्तारी बाहर से आने वाली है। आज अब्बा की हमारी बरसी है, उनको 2 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो हम लोग ने कुरान खानी रखे हैं, तो सबको इफ्तारी कराएंगे और कुरान खानी है, तो उसके लिए इफ्तारी बाहर से लाने जाना है। तो अभी हम इफ्तारी लाने जाते हैं और फिर आने के बाद में आपसे मिलते हैं। बात करनी थी आपसे, ये मैं सोचती हूँ और मैं मानती भी हूँ कि अपने बड़ों का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि किसी इंसान के जाने के बाद उन्हें याद करने से मतलब नहीं है। उनके अमल के लिए हम उनके लिए दुआएं कर सकते हैं, लेकिन उनके रहते हुए में अगर हम उनकी कदर ना करें तो फ़ायदा नहीं है। अबा को जाके हमारे 2 साल हुए हैं, कोविड में उनका इंतकाल हुआ था, लेकिन आज भी हम लोग उनको याद करते हैं और पूरे घर में यानी उनकी आज भी कमी महसूस होती है। उनके घर रहने से हमारे घर में बहुत शोर था, आज घर में तो हम सब होने के बावजूद भी वो घर में कहीं ना कहीं सन्नाटा जैसा ही रहता है। और जब भी हम लोग घर में ऊपर के घर में रहते थे, अब्बा ऊपर के घर में हम जब भी जाते हैं तो हमको खालीपन सा लगता है। जितना भी अपने बड़ों के लिए करते तो एक तो अपनी खुशी से करो, और खुशी नहीं है तो वो काम करो भी मत, और दूसरी अल्लाह की रज़ा के लिए करो। ये दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती है। अगर हम ये सोचें कि हम ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए करना है तो हम ज़रूर वो काम करेंगे और खुशी खुशी करेंगे, क्योंकि हम जो भी काम अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे वो खुशी खुशी करेंगे। अगर हम अपने मतलब परस्ती से काम करेंगे तो वो काम में ना खुशी होंगी ना वो काम हमसे हो पाएगा। इसीलिए अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं यानी अपने बड़ों के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो वो अपनी खुशी से करो, तो वो उसमें यानी इज्जत भी रहेगी और अच्छे से भी होगा हमसे वो काम। और आपके अलावा उनके पास अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आपके अलावा उनके पास में और कुछ भी नहीं है। इतनी सारी ज़िंदगी वो आपके लिए देते हैं, तो यही उम्मीद करते हैं कि बुढ़ापे में हम उनका साथ दें। अगर हो सके तो हम उनका साथ दें तो वही उनके लिए बड़ी बात है। तो जिनके माँ बाप नहीं हैं उनसे इन चीज़ की सबकी कदर पूछ सकते हो आप लोग। जिनके माँ बाप हैं वो लोग कदर करते नहीं हैं, और ये हकीकत है कि सच में वो उन लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, और माँ बाप के जाने के बाद में उन चीज़ का एहसास करते। तो मत करो ऐसा, जितना भी हो सके अपने माँ बाप की कदर करो, एहसास करो, क्योंकि उनके अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में भी कुछ नहीं है और उनकी ज़िंदगी में भी कुछ नहीं है। उनका तुम लोग बहुत 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 एहसास करो, और उन्होंने जितनी ज़िंदगी तुम्हारे लिए दिए हैं उस चीज़ का एहसास करो, जितना तुम्हारे पीछे उन्होंने टाइम लगाए हैं उस चीज़ का एहसास करो, और बस उनका ख्याल रखो। और बस इतना ही था। चलिए अभी हम इफ्तारी लेने जाते हैं, फिर आने के बाद आपसे मिलते हैं। चलो अभी हम घर के आते हैं। देखिए ये हमारे यहाँ का फुल मार्केट है, और ये जो देख रहे हैं आप यहाँ का मेट्रो स्टेशन बनने वाला है, जो मेन स्टेशन यहाँ पे बनेगा। ये फुल मार्केट में हम फूल लेने आए हैं। ये देखिए कितने अच्छे पंखड़ियाँ हैं, कितने अच्छे फूल हैं यहाँ पे, बहुत खुशबू थी इसमें। अफजल को ये कब्रिस्तान लेके जाने हैं, आज वो कब्रिस्तान जाने वाले हैं अब्बा की कब्र पर। हमें गुलाब के फूल और छड़ी के फूल दोनों तरीके के फूल चाहिए थे। गुलाब का फूल यहाँ पे हमें मिला और छड़ी का फूल हमें पीछे साइड पे मिला। ये देखिए कितना अच्छा छड़ी का फूल था, एकदम खुशबूदार, एकदम फ्रेश था। आज धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और फूल ऐसे छोड़ देते हम तो वो ख़राब हो जाते, तो काका ने इस तरीके से कपड़े में बांध दिए। अब हम चलते हैं अपनी इफ्तारी लेने।
हम 4 बजे के वक्त में अफ्तार लेने गए थे, तो उस वक्त थोड़े स्टॉल लग चुके थे, थोड़े लग रहे थे, और क्राउड भी इतना नहीं था। यहाँ पर आपको शवरमा, कटलेट, स्टीक, चिकन के हर जो भी सामान है और दूसरा भी सामान रहता है जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ चिकन का आइटम ही लिया था। रोड पे नॉइस बहुत ज़्यादा था, ये देखिए आप जितना सामान देख रहे ये सब अफ्तार के पहले ख़त्म हो जाता है, लोग आते हैं और लेते भी हैं और ये सब ख़त्म भी हो जाता है। हम जब गए थे तो क्राउड कम था, लेकिन 5-6 बजे क्राउड बहुत बढ़ जाता है। यहाँ से हमने चिकन समोसा लिया, फालूदे की सेवई यहाँ पे पैकेट बना के भी बेचते हैं, जो कि हमने भी जाते वक्त में आगे से लिया। यहाँ पे हमारा वाटरमेलन कट हो रहा था अफ्तारी के लिए। और यहाँ पे अलमीरा रू अफ़ज़ा बना रही थी। यहाँ पर हमारा फ्रूट भी कट हो गया था, और हम लोग ज़्यादा फ्रूट भी नहीं खाते हैं, इसके लिए हम ज़्यादा काटते भी नहीं हैं। और यहाँ पे मैं एक एक करके इफ्तारी निकाल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी इफ्तारी निकाल दिए है, अभी हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। इफ्तारी की सबसे अहम खजूर। इस तरीके से हम इफ्तारी अपने पेपर प्लेट में सर्व कर रहे थे, और पेपर प्लेट किसी भी ओकेजन के लिए बहुत यूज़फुल होता है। और ये पूरी इफ्तारी इस तरीके से एक थाली में रख के हम ऊपर के घर में लेकर जा रहे थे। इस तरीके से हमने ऊपर के घर में भी अफ्तार को रख दिया। यहाँ पे कुरान खानी हो रही है और अब नमाज शुरू हो गई है। यहाँ पे नमाज के बाद में सलाम हो रहा था, क्योंकि कुरान खान के बाद में मदरसे के बच्चे सलाम पढ़ते हैं, लेकिन इफ्तार का वक्त हो गया था, उसके बाद नमाज हो गई, नमाज के बाद में अब सलाम पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद में कुरान पढ़ते हैं।
अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नए व्लॉग और नए वीडियो के साथ में। अल्लाह हाफिज़।